Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, कल पूरे देश की नजर अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर थी। जी हां, बात करें तो आपको पता होगा कि भगवान प्रभु श्री राम का कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान हो चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और भी तमाम दिग्गज मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके अलावा वहां पर तमाम बॉलीवुड की दुनिया हो या फिर खेल का दुनिया हो, चाहे वो आर्टिस्ट कलाकार हो, एक्टर एक्ट्रेसेस हो, हर लोगों का तांता रहा और प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के लिए हर कोई लालायित और खुश नजर आया। इस कड़ी में राजा भैया की अयोध्या से एक ऐसी तस्वीर आ गई है जो वाकई चौंकाने वाली है। दरअसल बात करें तो अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। सोमवार को जनसत्ता दल के प्रमुख और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। राम मंदिर में राजा भैया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अचानक टकरा गए और फिर उसके बाद जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समापन के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतिथियों से मिल रहे थे। उस दौरान राम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते वक्त सीएम योगी से राजा भैया टकरा गए। उस वक्त राजा भैया झुक कर सीएम योगी के पैर छूते हैं, जिसके बाद सीएम राजा भैया को आशीर्वाद देते हैं और नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले अयोध्या पहुंचे राजा भैया ने कहा था कि जिनको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है और अयोध्या आ रहे हैं, ये उनकी पूर्व जन्मों का संचित पुण्य का परिणाम है। उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार करने वालों को अभागा भी बताया है। रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया ने कहा था कि मुझे और मेरे पिता दोनों को राम मंदिर ट्रस्ट से न्योता दिया गया था, मगर पिताजी की उम्र ज्यादा हो गई है, सेहत की वजह से वो अयोध्या नहीं आ पाए। वहीं राजा भैया ने कार सेवक से जुड़े सवाल पर कहा था कि वो भी कार सेवक रह चुके हैं और कई बार अयोध्या आ चुके हैं। राजा भैया ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमने रामलला का दर्शन ढांचे में भी किया और फिर जब रामलला तंबू में थे उनका दर्शन किया था। यूपी के बाहुबली नेताओं में शामिल है राजा भैया। बता दें कि प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के युवराज राजा भैया का नाम उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में गिना जाता है। उनको यूपी की राजनीति का भी बाहुबली कहा जाता है। वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। वो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं और प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक हैं। बाकी इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे, बताइए। धन्यवाद।